सब अपनी अपनी पार्टी के नेता अपनी अपनी रोटी सेकड़े बैठे हो, किसी में सच्चाई कहने की वो नहीं है। अरे सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। इस देश का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, जो जो है ना ये सरकार की पूंजीपतियों के तलवे चाट रहे हैं मीडिया वाले, जो और भाई ने बदनाम कर रहे हैं हमारे, इनने जो सही पत्रकारिता कर रहे हैं ना ये उन्हें बदनाम कर रहे हैं लोग तलवे चाटने में। अरे मैं इनसे कहना चाहता हूँ अपने जमीन को झंझोड़ो और जो सही है वह सही कहो, जो गलत है वह गलत कहो। आज देश के किसान के साथ गलत हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, पूरे देश पूरे भारत की लड़ाई है और पूरे भारत में इस देश को गुलाम नहीं करने दिया जाएगा जब तक किसान को हम चिंता है। मीडिया वॉइस आपकी आवाज की आवाज यहाँ बुलंद हो रही है। 42 दिन हो चुके हैं, अभी कल का जो बयान है वो ये है कि पहले दूसरे किसानों से बात की जाएगी, उसके बाद जो है फैसला लिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ इशारा भी दिया कि बिल वापसी नहीं होगा। पहले तो सरकार बतावे, जो किसान यहाँ दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, पहले तो हमें खालिस्तानी आतंकवादी बता करे, चलो आज इन्होंने किसान माना है तो बात करने कहाँ जा रहे हैं भाई। आठ दौर की वार्ता हो चुकी है, आप कह रहे हो भाई बिल में कमी संशोधन करेंगे, जब तुम खुद कह रहे हो बिल में कमी है तो संशोधन की क्या जरूरत है। तीनों बिल वापसी लो, किसान के हित में कानून बनाओ, एमएसपी पे कानून बनाओ, पूरे देश में कहीं खरीद फरोख्त ना हो। इस देश में मजाक उड़ाया जा रहा है, किसान के मान सम्मान के साथ खेला जा रहा है। ये सत्ता के लालच में भूल गए, पूंजीपति की गोद में जाकर बैठ गए, ये भूल गए ये भारत डेमोक्रेसी सिस्टम है। इस देश की खंडता में बहुत बड़ी एकता है, इस देश का संविधान बहुत बड़ा है, यहाँ सरकार है आती जाती रहेंगी, नेता आते जाते रहेंगे, जो जनता के हित में काम करेगा, जो किसानों के हित में काम करेगा, देश के भले में काम करेगा, उसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा, अन्य उनको भी जो है ना जयचंद्र लिखा जाएगा। पूंजीपतियों की आपने बात की, कल एक पूंजीपति जिसपे लगातार किसान पहले दिन से बहुत ज्यादा जो है अटैकिंग मूड में है, कल उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि फार्मिंग कॉर्पोरेट फार्मिंग करने का कोई भविष्य में भी इरादा नहीं है। अब भैया ये तो सरकार बताया ना किसके लिए कर रही है भाई, वो भविष्य तो वो गवाही देंगे तो किसान जाग चुके हैं, उनसे पहले क्यों नहीं बोला भाई वो। अब ये तो सरकार डरी पड़ी है, चारों तरफ से देश का किसान जाग चुका है, अब उन्हें लग रहा है यार ये तो सरकार सत्ता में बैठे तुम्हारा नाश हो जाएगा भाई। बड़े बड़े पूंजीपति है, बड़े बड़े प्रोडक्ट चल रहे देश में उनके, ये जनता बहिष्कार करेगी, जो जो देश के कन्नदाता के खिलाफ जा रहा है ना आज, जो देश में किसान का मजाक बना रहा है। आज एक किसान का बेटा देश में इस देश की रक्षा कर रहा है, सियाचिन जाकर देखना इसी ठंड में, एक नेता एक मंत्री का बेटा मुझे सियाचिन भेज कर दिखा दो, हम मान जाएंगे असली देशभक्त है। अरे असली देशभक्त दिल्ली के चारों तरफ देश का किसान है, इससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। ये झूठे चोले बैठे ओड़े देशभक्ति के, अरे इनका उठा कर देखो ना भत्ता। आज 4G नेट में एक मोबाइल फोन का बिल कितना आता है तुम बताओ, एक महीने आप यूज करोगे सारी चीज करते हो, कितना आता है भैया तो तुमसे पूछना चाहता हूँ भाई, मीडिया आप बताओ ना, मीडिया बंद बोलो, सैकड़ों रुपया 100 रुपया 200-500 मान ले, एक सांसद 15,000 रुपए ले रहा है सिर्फ टेलीफोन यूज करने का, क्यों ले रहा भाई? ये काला बाजार नहीं और तो क्या है? किसान को उसकी फसल भी नहीं मिल रही, अमन मूल्य समर्थन प्राइस नहीं मिल रहा। अरे किसान MRP तो नहीं मांग रहा ना तुमसे? ये मूल्य समर्थन प्राइस 1967 में हरित क्रांति आई थी, जब देश के हालात ठीक नहीं थे उस समय ये कानून में आया भाई, चलो किसान अगर MRP नहीं दे सकते तो किसान को MSP यानी मूल्य समर्थन दे देंगे, जिससे इसका घर का खर्चा चल सके। आज उठाकर देखो ना, इन्होंने किसान के आत्महत्या के आंकड़े बताने बंद कर दिए। अरे एक किसान मरता है उसके पीछे पूरा परिवार होता है, वो अकेला नहीं मरता, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है, इन्होंने वो आंकड़े बताने बंद कर दिए देश के। अरे नीति लानी तो नीति उस पर लाते, जो किसान का टमाटर किसान की प्याज जब पक्के, किसान की 6 महीने की मेहनत जब पक्के तैयार होती है ना, और उस पर कानून लाना था वो कैसे बिके, कैसे अच्छे दाम में बिके, और वो रोड में बिखरी बिखरी डोले 1 रुपया किलो 2 रुपया किलो, और जैसे ही 3 महीने बाद पूंजीपति के यहाँ पहुंचे 50 रुपया किलो 100 रुपया किलो प्याज जा रहे। ये सिस्टम के खिलाफ कानून लाने थे और इन्होंने किसान की पीठ में खंजर भोंक दिया है, ये खंजर किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार याद रखे, भैया जो सर्टिफिकेट मांग रहे ना बीजेपी के नेता, इनकी जांच हो, कमेटी बनाए, असली देशद्रोही देश के ये हैं जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जो देश के बेटे को देश के किसान को किसान नहीं कह रहे, ये जो है असली देशद्रोही ये लोग हैं, देश की अखंडता को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं, देश में जो जहर घोल रहे ये लोग घोल रहे, इनके खिलाफ सरकार सख्त सख्त कार्रवाई करे। पहले इनका सर्टिफिकेट ले, ये बताए तुम में से कौन सा बड़ा देशभक्त है, कौन सा खेती करता है, कौन सा का बेटा फौज में भर्ती है, कौन से का बाप ने, कौन से का दादा ने 4 पीढ़ी इतिहास उठा कर देखो ना, इसे किसान की रोटी ये भीख मांग के खाते थे इनके बड़े बूढ़े लोग, बात करते हैं लोग। हमने देखा एक तरफ जहां बारिश में किसान मुसीबतों का सामना कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ
जो है बर्बाद किए जा रहे थे। एक तरफ जहाँ किसान लगातार बारिश में मुसीबतों का सामना कर रहा था, दूसरे बॉर्डरों पे आंसू गैस के गोले। भैया ये तो सरकार गलती कर रही है, हमें तो आदत है किसान है आदत है सहने की, अब बहुत सह लिया है, अब देश का इतिहास बदलना है। हम एक कंपनी आई थी सन 16 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 565 रिया से हो गए इस देश में 565 राजा, वो गुलाम बना दिए सारे के सारे। आज तो एक ही राजा है, आज दो तीन कंपनी बड़ी बड़ी जिनका नाम ले रहे हैं आप लोग, अडानी अंबानी, ये हमारा जो एक राजा उनकी गोदी में जाकर बैठ गया। अरे राजा किसान ने बनाया मजदूर ने बनाया, तुम पहुंच गए पूंजीपतियों की गोदी में जाकर बैठ गए। हम इस देश को गुलाम नहीं बनने देंगे। आज जो देश का सिस्टम है, पहले सिस्टम गुलाम हो गया कि जब उस समय जो राजा बनता वो रानी के पेट से बनता था, आज जो राजा बनता है इस देश का किसान मजदूर अपनी वोट से बनाता है, उसे हक है अपना राजा बनाने का। ये बुद्धि अपनी सही कर ले, ये भूल रहे 2024 में फिर चुनाव आ रहे हैं, ये परमानेंट नहीं बैठे देश के राजा बनके। सरकारें आती जाती रहेंगी, आंदोलन लगातार जो है, जब जब देश में कोई गलत नीति बनेगी गलत सरकार काम करेगी उस पर आंदोलन बरकरार चलते रहेंगे। कहा जा रहा है बोले किसानों के लिए बाहर से फंडिंग हो रही है। भैया ये बताना कौन सी अकाउंट चेक करवाना कौन सी फंडिंग हो रही है, अरे हमें बताना है। मैं इस सरकार में ये बताओ, पहले कोई नेता बने करे चौधरी चरण सिंह है, किसान नेता के नाम से जाने जा करे, स्वर्गवासी चौधरी राजेश पायलट जी है किसान नेता के नाम से जाने, किसान नेता है। आज बता दो ना कौन सा किसान नेता है, अरे सब अपनी अपनी पार्टी के नेता अपनी अपनी रोटी सेकने बैठे हो, किसी में सच्चाई कहने की वो नहीं है। अरे सही को सही कहो गलत को गलत कहो, इस देश का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, जो आज जो है ना ये सरकार की पूंजीपतियों के तलवे चाट रहे हैं मीडिया वाले, जो और भाई ने बदनाम कर रहे हैं हमारे, इन्हें जो सही पत्रकारिता कर रहे हैं ना ये उन्हें बदनाम कर रहे हैं लोग तलवे चाटने में। अरे मैं इनसे कहना चाहता हूँ अपने जमीन को झंझोड़ो और जो सही है वह सही कहो, जो गलत है वह गलत कहो। आज देश के किसान के साथ गलत हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, पूरे देश पूरे भारत की लड़ाई है, और पूरे भारत में इस देश को गुलाम नहीं करने दिया जाएगा जब तक किसान को हम चिंता